नमस्कार मित्रों, टेक्निकल राग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में आपको ये 6+6 हाई स्पीड सीलिंग फैन का मोटर है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इसकी बाइंडिंग करना बताऊंगा। दोस्तों चलिए पहले मैं आपको इसका स्टेटस साइज बता देता हूँ। दोस्तों इसका स्टेटस साइज देखिए, मैं यहाँ 10 सेंटीमीटर से मापूँगा। तो दोस्तों इसका स्टेटस साइज है तो जो कि 12 mm है। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं और यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर का निशान है, जैसा देख सकते हैं। यहाँ से इधर से 3 mm कम है। तो इसका स्टेटस साइज दोस्तों जो 12 mm है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में आपको इसकी बाइंडिंग करना बताऊँगा। दोस्तों आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पर 12 स्लॉट पेपर लगा लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला कॉल हमारा यहाँ पर आएगा इन दोनों स्लॉट में। दोस्तों यहाँ पर ये स्लॉट नीचे बनाए गए हैं ताकि आपको स्टार्टिंग इनमें डालें आप और रनिंग अलग डालती है इसमें। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में आपको इसकी बाइंडिंग करना बताते हैं। तो हम दोस्तों पहला कॉइल ले लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से इधर से आपको इस बार स्लॉट में डाल देना है, इस वाले में इधर से। और दोस्तों देखिए आपको इस तरह से कॉइल को खींचना है। देखिए ये इनर वायर है हमारा, तो ये दोस्तों आउटर है जो कि बाकी कॉइल से अटैच है। देखिए दोस्तों आपको इस तरह से टर्न लेना है इसी के ऊपर डबल। देखिए दोस्तों जैसा कि ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों इसको जो है 3rd राउंड में इसी के ऊपर हम जस्ट ऐसा फोल्ड करेंगे और इसी के ऊपर डाल देंगे। देखिए दोस्तों अब जैसा कि इसमें 3 राउंड हो चुके हैं तो मैं इसके ऊपर पेपर शीट लगा देता हूँ। और इधर से भी दोस्तों आपको जो है इसी के ऊपर डाल देना है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से। ये दोस्तों बेहद ही आसान तरीका है ये सीलिंग फैन बाइंड करने का, और ये बहुत ही आसान तरीके से, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए जैसा कि ये हमारे पहला कॉइल डल चुका है, तो मैं दोस्तों मोटर को घुमा लेता हूँ कुछ इस तरह से। सेकंड कॉइल हमारा इस बार स्लॉट और इसमें आया। देखिए दोस्तों आपको इस कनेक्शन के सीरीज वायर का ध्यान रखना है आपको। देखिए यहाँ से निकला तो ये इस साइड में आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों। और इधर से भी देखिए ये दोस्तों इस तरह से इस वाले स्लॉट में आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये यहाँ से 1 से 3 में दोस्तों कनेक्शन इसका हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं इसको जो है फिर से इसको ऐसे टर्न लूँगा कॉइल को, और इसी के ऊपर भी दोस्तों 3 राउंड डाल देना है आप। देखिए दोस्तों अब ये दोस्तों इतना जो हिस्सा बचा हुआ है इसको हम फुल वेंड कर देंगे इस तरह से, और इसी के ऊपर दोस्तों डबल डाल देंगे। चलिए दोस्तों इससे पहले मैं आपको इसका डेटा बता देता हूँ। दोस्तों इसमें मैंने जो है 34 नंबर एल्युमिनियम बार यूज़ किया है। दोस्तों कॉइल की डिस्टेंस है जो गोलाई में 14 इंच है, और इसमें दोस्तों मैंने जो टन लगाए 160 टन लगाए। दोस्तों कॉइल पिच 1 से 4 है, 3 राउंड। देखिए जैसा कि हमारा 2 कॉइल डल चुके हैं, मैं 3rd कॉइल ले लेता हूँ यहाँ पर, ये इसमें मैं डाल देता हूँ जैसा कि। देखिए दोस्तों देखिए जैसा कि इसका कनेक्शन जो आपको 1 से 3 में ही करना है इस तरह से देखिए, और इसी के ऊपर ये 2रा राउंड हो जाएगा दोस्तों। इधर से देखिए इसमें डाल देता हूँ, तो ये दोस्तों 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। ये बचा हुआ इतना हिस्सा है इसको दोस्तों फुल बेंड कर देंगे देखिए कुछ इस तरह से, और इसी के ऊपर डबल हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों ये क्योंकि यहाँ पर जो है 3 राउंड करने हैं हमें।
देखिए दोस्तों, जैसा कि ये डल चुकी है, देखिए दोस्तों हमारे ये तीन कॉइल कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों कनेक्शन का आपको ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पे, तब ये एक से तीन में हो पाएगा। देखिए दोस्तों इस तरह से इस वाले को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इस स्लॉट में, देखिए, और इस वाले को यहाँ पर डाल देता हूँ इस वाले स्लॉट में। दोस्तों देखिए हमारा कनेक्शन जो 103 में हुआ है, यहाँ से देखिए ये 101, ये 2, ये 3, तो कनेक्शन जो है आपको दोस्तों 103 में ही करते चलना है। देखिए इस तरह से इस कॉइल को बेंड करेंगे इसी के ऊपर जस्ट डबल, जैसे कि डबल हो चुकी है। तो एक साइड से मैं दूसरी साइड से भी इसको डाल देता हूँ, खींच लेंगे हुआ इसको इस तरह से बेंड करेंगे हम और इसी के ऊपर जस्ट डबल डाल देंगे डबल, क्योंकि एक साइड से डल चुकी है तो मैं इसके ऊपर भी है जो पेपर लगा देता हूँ। और इधर से भी दोस्तों आपको जो है देखिए दोस्तों ये तीसरा राउंड डल चुका है, तो मैं इसके ऊपर ये पीवी शीट लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों चार कॉइल हो चुके हैं हमारे। देखिए दोस्तों इस तरह से ये 103 में कनेक्शन हो चुका, देखिए यहाँ से 1, 2, 3। देखिए इस तरह से आपको कॉइल को बेंड करना है, जस्ट इसी के ऊपर ही हो जाएगा दोस्तों हमारा डबल। देखिए दोस्तों इस तरह से ये डबल हो चुका है। ये दोस्तों हमारा तीसरा राउंड थर्ड वाला के ऊपर दोस्तों, ये बहुत ही आसान माइंडिंग करने का तरीका है। दोस्तों जैसा कि बन चुका है, ये हमारा दोस्तों पांचवा कॉइल है। दोस्तों टोटल कॉइल है इसके 12, 6 दोस्तों अंदर चलेंगे, 6, 12। तो ये 6 कॉइल डालने के लिए स्लॉट पहले से ही अंदर प्रोवाइड किए गए हैं एज अभी कंपनी में। देखिए देखिए दोस्तों ये हमारी बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जो इस पर डॉक्टर टेप लगाऊंगा और दोस्तों इस पर फिर हम रनिंग की कॉइल डालेंगे यहाँ पर। तो